मैं हसीना आपको अपने YouTube चैनल पर हसीना टिप्स से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बेबी को यानी नवजात शिशु को या 2 साल तक के बेबी को दस्त लगे तो उनको ऐसा क्या घरेलू चीज़ दे जिससे वो दस्त रुक जाए। मैं आपको आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि आपके हर घर में मिल सकती है वो, और इस मौसम में तो जरूर मिल सकती है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जो कि सिर्फ एक पत्ता उस बच्चे को देने से एक बार में ही उसकी दस्त रुक जाएगी। चाहे वो कितनी भी दस्त लगे, लेकिन सिर्फ एक पत्ते को देना है तो सिर्फ उससे उसकी दस्त रुक जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपको आज उसके पौधे के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको इस पौधे के बारे में बता रही हूँ। तो ये पौधा है तिल का। ये तिल का पौधा है जो हर मौसम में, इस मौसम में तो ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, तिल का पौधा एक पत्ता लेंगे इसको, फिर एक कटोरी में पानी लेंगे। ये पानी इस कटोरी में बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको थोड़ा कम कर देते हैं। इतना सा पानी लेंगे, कम से कम आधा कप। फिर इस पत्ते को भी धो के फिर इस्तेमाल करें। फिर इस पानी में डाल के और इस पत्ते को ऐसे ऐसे कम से कम 5-7 मिनट तक ऐसे ऐसे इसको मसलें। तो इसमें देखिए, ऑटोमेटिक देखो लाल छूट रही है। ये देखिए, ये देखो, कम से कम 4-5 मिनट तक ऐसे करना है इस पौधे को। फिर इस पत्ते को ऐसे ऐसे करके बाहर निकाल लेना है। ये देखो, ऐसे हो गया। फिर इसको बाहर फेंक देना है। पानी को इस बच्चे को पिलाते हैं। ये मेरा बेबी है क्योंकि इसको पता है कि मेरी मम्मा हमेशा मेरे को ऐसे पिलाती है। तो दोस्तों, सिर्फ एक बार से ही कितनी भी दस्त लगे तो इस बच्चे की बंद हो जाएगी। चाहे कोई सा बच्चा हो, इसको बड़े भी ले सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।